कि हमारा वहाँ ही इतने जगह में ही खाली बोलते हैं 200 भूत हो रहे हैं। जो भूत होते हैं ना, भूत रात को निकलते, हमको बताया गया कि इसमें जो रात को काली संकट के दिन 5 लेडीज निकलेगी और संतान जाएगा, उसका जो विधि करेगा। तो हम पूरा रात स्मशान में बैठे, खाना खाया तो वहाँ तो कोई आया नहीं, और वो इतना लेडीज का दिमाग में घुस गया है कि उसको कोई भी बेटा बीमार पड़ता है, बेटी बीमार पड़ता है तो बोलता है चलो हमें वो एक्स हुआ है उसके पास जाएंगे, वो हमारा ठीक कर देगा। अभी मैं सर से पूछना चाहूँगी कि आपके गांव में से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पाखंड और अंधविश्वास को तोड़ा गया है, उसमें से आप क्या मैसेज वायरल? वो जो पाखंड का जो वीडियो है वो मैं, हमारे गांव में बहुत सारा अंधश्रद्धा है, जादू टोना बहुत है, क्योंकि पुरानी सब परंपरा है, उसमें लेडीज़ लोग जो है उसमें से बाहर निकलना नहीं चाहती। मान लीजिए बच्चे को पढ़ाती नहीं है, बच्ची लोग को एजुकेशन नहीं दे रही है और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि वो जो वो लेडीज़ है वो ऐसा जादू टोना करके मेरे को ऐसे करा दिया, मेरी बेटी को बीमार कर दिया। तो हमारे वहाँ फंक्शन जो होते थे, कोई भी सोशल फंक्शन, तो उसमें से 50% लेडीज़ आती थी, 50% मेरे खुद के फार्म हाउस में भी नहीं आती थी कि विजय भाई जो है इतना पैसा कमा लिया, जादू टोना से कमाया। तो हमारा वहाँ फार्म से पानी भी नहीं पीती थी, और मैं दूसरी जगह पे जाता था तो मेरे को बोलता था यहाँ से आप थोड़ा दूर रहिए, ये जादू टोना वाला घर है, आपको भी कहीं ख़त्म कर देंगे। तो मैं तो जो जहाँ जादू टोना का देखता था वहाँ पहले जाता था, बोलता है यहाँ भूत होता है, तो मैं वहाँ रात को जाता था, 2 बजे भी बहुत सारे पेड़ मैंने गिरवाया है, अननेसेसरी पेड़ थे वो। तो हमने वहाँ जाके देखा कि हमारा वहाँ ही इतने जगह में ही खाली बोलते हैं 200 भूत हो रहा है। जो भूत होते हैं ना, भूत रात को निकलते, हमको बताया गया कि इसमें जो रात को काली चौदस के दिन 5 लेडीज निकलेगी और शमशान जाएगा, उसका सब विधि करेगा। तो हम पूरा रात शमशान में बैठे, खाना खाया तो वहाँ तो कोई आया नहीं, और वो इतना लेडीज़ का दिमाग में घुस गया है कि उसको कोई भी बेटा बीमार पड़ता है, बेटी बीमार पड़ता है तो बोलता है चलो हमें वो एक्स हुआ है उसके पास जाएंगे, वो हमारा ठीक कर देगा। ऐसा करके वो एक लड़की को तो 40 दिन तक उसने अंडरग्राउंड कर दिया था, उसको एक लोटा पानी दिया था, हर दिन पानी पीने का, 40 दिन के बाद वो अच्छी हो जाएगी, तब तक घर के बाहर नहीं जाने का। तो इतना लगता है हमको 200 साल पुराना जो हमारा भारत था उसमें हमारा गांव जी रहा था। तो हमने सोचा कि इसको यहाँ से बाहर निकालने का है, तो हमने हमारा फ्रेंड है, चैनल चला रहा है और मेरा फ्रेंड भी है तो पत्रकार है, मैं उसका कांटेक्ट किया कि भाई यहाँ तो बहुत मुश्किल काम है। फिर वो हमारे गांव में आया, हम देखा, हम लोग वो जो उसने वीडियो बनाए यूट्यूब पे डाला, जहाँ भूत भूत थे वो सब पेड़ भी हमने उखाड़ा, वहाँ जो पुराना मंदिर था, मंदिर नहीं था वो जो अपना जो डेरा बेरा बोलते हैं ना, अपना ये वो सूरापुरा ये वो सब अपना वंशज का, कोई भी मर जाता है तो उसको लट्टा रखता था कि भाई ये मेरा पिताजी, ये इसको खिलाना पिलाना, कोई खिलाते भी नहीं थे, अच्छी तरह से रखते भी नहीं थे। तो उसमें से सबको बाहर निकालने के लिए हमने ये वीडियो बनाया, और उसमें हमने वो वीडियो जो है, वीडियो में सबको बताया कि यहाँ कोई ऐसा जादू टोना नहीं होता है। फिर धीमे धीमे हमने वहाँ से जितने भी वो हमारा पूर्वज का वो रखा हुआ था, लेडीज़ लोग का दिमाग में वो था, वो हमने वहाँ से ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हमने जो वो एक हमारा पुराना एक डेरा था ना, उसको थोड़ा हम सबको हम बताया कि यहाँ कोई पीछे नीचे कोई भूत नहीं है, रात को भी भूत नहीं आते, और जितना वो लोग का अंदर में सब एग्रेसिव जो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी था वो भी हमने शायद ख़त्म कर दिए। और दूसरा, हमारा गांव में एक प्रॉब्लम था, ना ही हमारा बाल नहीं काटता है, मैं बताया ना अभी, अच्छी गाड़ी लेके हम घूमते हैं तो भी उसको ईर्ष्या होती है कि इसके पास गाड़ी कहाँ से, अच्छा कपड़ा कैसे करना। तो उसमें हम नाई के दुकान जो है वहाँ 5-6 दुकान, उसमें हम जाके भी उसको ट्राई किया कि भाई हमारा हम अच्छे है, आपसे भी अच्छे है, दिन में 4 बार कपड़ा बदलते हैं तो आप हमारे बाल नहीं काटते बराबर। तो वो लोग बोला कि आपका पूर्वज जो है, या तो आप अभी जो मरा हुआ ढोर उठाते हैं उसका व्यवसाय करते हैं तो उसकी वजह से आप अछूत हो गए हैं, तो आपका हम कभी 200 साल से भी नहीं काटते, आगे भी नहीं काटेंगे। तो उसके सामने भी हमने फाइट किया है, तो उसमें शायद हम अगर वो हमारा ये जो हमारी जो डिमांड पूरी नहीं करेगा तो हम जो वो जो उसका
जो मरा हुआ ढोर जो है और गंदा उठाना है, वो भी शायद हमारा जो, क्योंकि हमारा हमारा समाज नहीं नहीं चाहता कि अगर हम ये अच्छा काम कर रहे हैं वो उस काम को वो झूठा मान रहा है, तो हम वो जो सुविधा गांव का हम काम कर रहे थे वो उसको छोड़ देंगे बराबर। और छोड़ने के बाद हम देखेंगे वो हमको वहाँ हमको कंसिडर करते हैं कि नहीं करते। इसके लिए भी हमारा फाइट चालू रहेगा हमारा गांव में, जब तक नाई हमारा बाल नहीं काटेगा और हमको गांव में इंसान की तरह माना नहीं जाएगा, तब तक मेरी जो ये फाइट है वो चालू रहेगी। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।